चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है। तो जब भी वन बाई रूट क्वाड्रेटिक टाइप का होता है तो आप क्या करते हो, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। फिर उसके बाद आप देखते हो कि ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है, फिर फॉर्मूला प्लेस कर देते हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग अंदर से लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और प्लस सेवन है ना। यहाँ पे ए क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ए माइनस वन दिख रहा है, बी आपका माइनस सिक्स दिख रहा है और सी क्या दिख रहा है, सेवन दिख रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन इंटू सेवन है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36 और प्लस 28, तो 8 प्लस 6 14, 1 कैरी हुआ 6 हो जाएगा 64, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया प्लस का 64। अब हम लोग जैसा जानते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसा फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, उसमें हम उसे अप्लाई कर देते हैं। तो a टाइम्स का मतलब माइनस वन टाइम्स, ठीक है, x प्लस बी बाई टू ए, बी कितना है माइनस सिक्स, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन टू ए मतलब माइनस वन, ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर और ये टू थ्री जा सिक्स आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे थ्री आ गया सिर्फ, है ना। तो ये आप कर लेंगे, यहाँ पे प्लस थ्री आ जाएगा प्लस अरे सॉरी माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, डी कितना हमने कैलकुलेट कर रखा है 64, तो 64 अपॉन फोर ए स्क्वायर, ए कितना है आपका माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा तो ये कट के 16 आ जाएगा, मतलब फाइनली ये 4 का स्क्वायर यहाँ बचेगा, है ना, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो अब ये चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, ये रफ में आप कर सकते हो ना, अगर दिखा भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉपी में, लेकिन इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। अच्छा, ये माइनस इंटर करा लीजिए आप, जब माइनस अंदर इंटर करा लेंगे तो ये क्या नज़र आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, ये काफ़ी और आसान हो गया। अब इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रल बिकम 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा होगा किस फॉर्म से मैच कर रहा है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर मान लीजिए, है ना। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि थोड़ा सीधे दिखे, अब बोर्ड में सब कुछ दिखाना होता है तो आप हर चीज़ का एहतियात या हर चीज़ से सबक लिया करिए। तो यहाँ डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो नाउ क्वेश्चन जो डमी वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो जाएगा 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, मतलब टी बाई ए हो जाएगा, तो इट बिकम साइन इनवर्स टी बाई ए, ए क्या है आपका 4 है, तो टी बाई 4 हो गया प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, लेकिन टी डमी वेरिएबल है तो टी को हम रिप्लेस करें, तो इट बिकम साइन इनवर्स टी आपका क्या था एक्स प्लस 3 था, तो एक्स प्लस 3 अपॉन 4, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।